Rahman Rahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 5, Introduction to Microsoft Access. What is MS Access? Write its advantage. So Microsoft Access is a popular relational database management system. It provides various built-in features to create database and view information. Basically, हमने इससे पहले जो chapters पढ़े उसमें ये देखा कि हम लोगों के database के बारे में theoretical knowledge हमने हासिल किया. अब हम implementation की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग कौन से softwares को use करके, किस software को use करके हम लोग अपनी database actually में create कर सकते हैं. तो हमारे पास एक MS Access सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके यूज़ करके हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को बना सकते हैं. इसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बिल्ट इन फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें जिसकी वजह से हम लोग इजीली डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर से व्यू भी कर सकते हैं. और इसमें होता क्या है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम लोग सेव करवा सकते हैं. इसके अलावा ये इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है, ग्राफिकल इंटरफेस है. इसकी वजह से हम लोगों को क्या है कि टेबल्स को क्रिएट करना, टेबल्स को मैनेज करना बहुत इजी हो गया हुआ है. सो अब कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सैम्पल डेटाबेसेस मौजूद हैं इसमें ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि वो टेबल्स भी उसमें बने हुए हैं, फॉर्म्स भी बने हुए हैं, कुछ क्यूरीज भी लगी हुई हैं जो नेसेसरी हैं. उसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट्स भी उसके अंदर ही बनी हुई हैं, यानी कि उन जो सैम्पल डेटाबेसेस हैं उनको देख के या तो हम लोग आइडिया ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है, लर्न कर सकते हैं टेबल्स के बारे में, हम लोग बाकी चीज़ें भी सीख सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास क्या है, विजर्ड. विजर्ड क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स डैट गाइड्स द यूज़र टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. वो स्टेप्स जिसकी मदद से कोई यूज़र स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, यानी कि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन दी जाती है कि आपने किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करना है, किस तरह से डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है. इसके बाद बात कर लेते हैं अंडरस्टैंड डेटाबेस स्ट्रक्चर. डेटाबेस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्राफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग MS Access. MS Access के अंदर ऐसा फीचर है जिसमें ग्राफिकली आपको रिलेशनशिप शो किए जाएंगे विद इन द रिलेशंस, यानी कि टेबल्स के दरमियान में ग्राफिकल व्यू में आप लोगों को रिलेशंस शो किए जाएंगे. इसकी वजह से आप लोगों को लिए डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान हो जाएगा. नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन. नेक्स्ट हमारा जो एडवांटेज है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन. चूंकि ये MS Access माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर से जो हमारा डाटा होगा वो ईजिली हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं MS Office यानी कि MS Access में. नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईजियर प्रोग्रामिंग, यानी कि हम लोग बड़े आराम से इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इसके अलावा जो सिंपल हम लोग कोड को यूज़ करेंगे, जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम करना होगा, मैक्रोस को यूज़ कर सकते हैं टू ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क. मैक्रोस वो फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोग बना के रख देते हैं ताकि बार बार जो रिपीटेडली टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए हमें बार बार कोड को रिपीटेडली ना लिखना पड़े. द यूज़र कैन ऑल्सो राइट द कोड विद VBA. VBA को यूज़ करते हुए कोड भी लिखा जा सकता है बड़े आसानी से. सो विजुअल बेसिक के साथ भी इंटीग्रेशन इसकी बड़ी आसानी से हो सकती है. विजुअल बेसिक बेसिकली क्या है, ये एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग आप समझ लें कि ड्रैग ड्रॉप करने से हम लोग एक विंडोज़ एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है. तो कोड का जो इसमें लेना देना है वो बहुत कम होगा, यानी कि कोड आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस. सो ये नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमन स्टैंडर्ड. कॉमन स्टैंडर्ड क्या है कि इसमें जो हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो आपकी SQL क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है. SQL स्टैंड फॉर SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं परफॉर्म इन द डेटाबेस. नो रिडंडेंसी. रिडंडेंसी मींस के डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स. डाटा का डुप्लीकेट हो जाना मतलब कि फाइल्स के अंदर मल्टीपल डाटा का अकर होना, मल्टीपल टाइम्स डाटा का अकर होना. इट वेस्टेज द स्टोरेज मीडिया इन द कंप्यूटर. MS Access अलाउज द यूज़र टू स्टोर विदाउट रिडंडेंसी. सो MS Access में एक ये भी फीचर है कि यहाँ पे रिडंडेंसी को रिड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 83 पे, विच इज़ IDE.
IDE बेसिकली होता क्या है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एक IDE को समझते हैं, IDE है क्या। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली जब भी आपने कोई एप्लीकेशन बनानी होती है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, तो वो उसके लैंग्वेज के हिसाब से कोई आप लोगों के पास IDE अवेलेबल है, यानी कि तो ये IDE आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आप स्पेसिफिकली वो लैंग्वेज यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकें। जैसे कि जो आपका IDE है, इसमें कुछ बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जो कि आपको बहुत ईज कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ग्राफिकल फीचर्स को यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको फिलफिल कर सकें, अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। अब डेटा बेस का जो IDE है उसको समझना बहुत आसान है। उसमें ग्राफिकल इंटरफेस है, अगेन के उसकी वजह से हम लोगों को डेटाबेस एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ हम इसके अलावा डेटाबेस को क्रिएट करते हुए यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिटेल में डेटाबेस को अंडरस्टैंड करें, उसके लिए बस एक डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ताकि एप्लीकेशन डेटाबेस की एप्लीकेशन को वो क्रिएट कर सके। MS Access जो है वो डेटाबेस के लिए जो हम लोग IDE यूज़ करते हैं उसकी एक मिसाल है। इसके अलावा हम लोग SQL सर्वर भी यूज़ करते हैं, आप चाहें तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। वो भी एक एग्जाम्पल है IDE की फॉर डेटाबेस डेवलपमेंट। ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए जब IDE को यूज़ करते हैं, बहुत आसानी से एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। सिंप्लीफाइज कर देता है डेटाबेस को क्रिएट करना, डज नॉट रिक्वायर डिटेल्ड नॉलेज। ये एडवांटेजेस हैं कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, हमारे पास प्री डिफाइंड फैसिलिटीज़ होती हैं ताकि हम लोग सर्च कर सकें, ड्रिव कर सकें, प्रोसेस कर सकें डाटा को। इसके साथ साथ हमारे पास क्या फैसिलिटी होती है कि अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि हम लोगों ने मेन्यूज़, बटन्स और टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करके डेटाबेस से इंटरेक्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ इसके ड्रॉबैक्स की बात की जाए, तो क्योंकि ये ग्राफिकल इंटरफेस है, फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से इसके जो इसको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने के लिए, कंप्यूटर में रन करने के लिए उसको मेमोरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि यूज़र को अलाउ करते हैं कि ताकि वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं RDBMS। RDBMS stands for Relational Database Management System. It is a collection of programmed data used to create, maintain relational databases. जैसे कि नाम से जाहिर है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको रिलेशनल डेटाबेसेस क्रिएट करने में और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आर डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन, इसका रिलेशन जिन ऐसी डेटाबेसेस जिसमें हम लोग टेबल्स में या रिलेशन में डाटा को सेव करते हैं, उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। रिलेशन इज़ अनदर टर्म फॉर द टेबल, अगेन आपको उनको वो बता रहे हैं कि रिलेशन को हम लोग टेबल भी कहते हैं। आर टेबल इन द डेटाबेस हैज़ यूनिक नेम, डेटा आइडेंटिफाइज इट्स कॉन्टैक्ट। जो भी टेबल डेटाबेस में हम क्रिएट करेंगे उसका कोई ना कोई यूनिक नेम लिखेंगे, ताकि हम लोग उसको दूसरे कॉन्टेंट से या दूसरे टेबल से आइडेंटिफाई कर सकें या फिर सेपरेट कर सकें। कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करता है RDBMS, ये इससे आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। डाटा सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस, इजी एक्सेस, उसके अलावा बैकअप और रिकवरी की जो सर्विसेज हैं वो आपको RDBMS प्रोवाइड करते हैं।